तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो हम लोग को पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या है गाइस पता है? तो यहाँ से चल जाना प्लस वाले एक्शन सेक्शन पे। इसके बाद चल जाना एडिटेड फोटो पे और बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो मैं कर लिया हूँ, देख सकते हो गाइस ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हो मेरे वेबसाइट से। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या है, मैंने इसके भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड करना वन क्लिक में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना गाइस। मैं इसी तरह का बैकग्राउंड पीएनजी वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, और आपको कोई भी फोटो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ से आपसे बात करता रहता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, पहला स्टेप में चल जाना आप लोग को टूल्स पे, क्रॉप पे, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लेना है। आप करना क्या, स्क्रॉल अप करके चल जाना हम लोग को पहले ऐड फोटो पे, और एक पीएनजी को ऐड कर लेना जो मैंने खुद बनाया है। इसके लिए तो आप एक इस वीडियो में लाइक कर देना, बहुत मेहनत से बनाया गाइस। इस तरह से करने के बाद करना क्या है, हम लोग को इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। फिर हम लोग को करना क्या, स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चल जाना ऐड फोटो पे, और अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड अरेंज करना नहीं आता है तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपने मॉडल का। इस तरह करने के बाद करना क्या, ऑपेसिटी को कम कर लेना है। अब करना क्या, इरेजर टूल पे चल जाना, इरेज पे चल जाना, साइज को अपने हिसाब से रख लेना, ऑपेसिटी अपने हिसाब से, और कुछ इस तरह से हम लोग को लाइन के साइड साइड ड्रॉ कर लेना है, यानी कि इरेज कर लेना है अपने बॉडी पार्ट को। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, इस तरह से इरेज कर लेना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से डन करके बैक हो जाना, फिर यहाँ से ऑपेसिटी को फुल कर लेना है। अब करना क्या है, हम लोग को पीएनजी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से हम लोग को चल जाना है इरेजर के ऊपर वाले आइकन पे, डुप्लीकेट कर लेना है। जस्ट हम लोग को इस साइड पे ही जैसे एडजस्ट करके लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद करना क्या, हम लोग को आप चाहे तो इसको मूव डाउन भी कर सकते हो, मूव डाउन ही कर लेना, क्या ऑसम लगेगा। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, यहाँ से स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चल जाना, फिर से हम लोग को ऐड फोटो पे, और हम लोग को एक स्मोक का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना जो कि ये रहेगा। अब करना क्या, हम लोग को पहले चल जाना हम लोग को यहाँ से फ्लिप एंड रोटेट पे, जस्ट हम लोग को डाउन वाले में क्लिक करके यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरह से, और हम लोग को इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है, इरेजर के ऊपर वाले में क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन कर लेना है। देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है, ऑपेसिटी को हल्का कम कर लेना है आप चाहे तो, और एक बार मूव डाउन कर लेना, हाँ इतना कर लेना है। अब करना क्या है, 90 के आसपास रख लेना ऑपेसिटी को, फिर हम लोग को इस स्क्रीन पर किधर भी टाइप करके चल लेना ऐड फोटो पे, और हम लोग को अब ले लेना है हम लोग को एक टेक्स्ट पीएनजी जो कि ये रहेगा, जो कि मैंने खुद से डिजाइन किया है, और कुछ इस तरह से हम लोग को एडजस्ट करके लगा लेना है। अब करना क्या, हम लोग को ऐड फोटो पे चल जाना है, एक स्मोक का पीएनजी मिल जाएगा जो कि ये रहेगा ग्रीन कलर का, इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना। अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से मूव डाउन कर लेना है, देख सकते हो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। फिर हम लोग को स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चल जाना है हम लोग को ऐड फोटो पे, और हम लोग को एक ऑरेंज कलर का पीएनजी को ले लेना है जो कि रहेगा। आप करना क्या, हम लोग को फ्लिप एंड रोटेट में जाके हम लोग को जस्ट यहाँ से थर्ड वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग को सेट फुल स्क्रीन कर लेना है, और इस पार्ट पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से भी हम लोग को मूव डाउन कर लेना है, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो क्या ही ऑसम लग रहा है। आप करना क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार कि कोई पीएनजी छूटा तो नहीं। एकदम डन है गाइस। आप करना क्या है, रिटचिंग करने के लिए हम लोग को चल जाना पहले तो इफेक्ट पे, सैंपल पे, सबसे लास्ट ड्रैग कर लेना है, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को एक सैचुरेशन का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, हम लोग को ये फोटो को सेव करके ओपन करना है लाइटरूम ऐप में। तो फोटो सेव करने के लिए डॉट में चल जाना है, थ्री डॉट में सेव इमेज, फोटो हो जाएगा सेव गाइस। अब ये फोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप में, देख सकते हो गाइस मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद करना क्या, हम लोग को चल जाना है यहाँ से पहले साइन वाले आइकन पे, और यहाँ से हम लोग को हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, हाईलाइट्स को भी हल्का सा बढ़ा लेना है गाइस, शैडो को डाउन ही रखना है, वाइट को हम लोग को बढ़ा लेना है, और ब्लैक को भी हल्का बढ़ा लेना है। उसके बाद चल जाना हम लोग नेक्स्ट टूल पे, फिर हम लोग को आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोजर को भी बढ़ा सकते हो हल्का फुल्का, एक्सपोजर बढ़ाओगे तो गाइस पूरा फोटो का लाइट बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग को टेम्परेचर में जाकर वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है, सेचुरेशन को हल्का फुल्का बढ़ा लेना है, यहाँ से टेम्प को ब्लू टोन में रख लेना है यानी कि -6। फिर हम लोग को मिक्स टूल पे जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से फेस के कलर देख सकते हो गाइस, फेस का कलर वाइट हो गया है, ये देखो बिफोर ब्लैक था,
ये देखो व्हाइट, ये ट्रिक आपको भी अप्लाई कर लेना है। ऑरेंज कलर में जाके ल्यूमिनस को बढ़ा के सेचुरेशन आप चाहो तो डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग को डन करके बैक हो जाना है। फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, क्लैरिटी को 10% इंक्रीज कर लेना है। फिर यहाँ से हम लोग को डीएच को कुछ ना -2 के अराउंड रख लेना है। विग्नेट को हल्का सा माइनस करना है -10। फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाकर यहाँ शार्पनिंग बढ़ा लेना है। नॉइज़ रिडक्शन देख सकते हो क्या ऑसम लग रहा है फोटो। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार बिफोर आफ्टर। ये देखो गाइस पिक्सआर्ट का कितना ब्लैक था फोटो, और ये देखो लाइटरूम का क्या ही मस्त रिटचिंग आया है। हल्का सा ही आया है मगर बहुत बेहतरीन आया है। तो उस फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, शेयर वाला आइकन पे जाकर यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेना है। फोटो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो जैसे कि फोटो सेव भी हो गया है। अब फोटो सेव होने के बाद करना क्या है गाइस, इस वीडियो में पहली बार आया तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। Perfect.